नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन गार्डनर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आपको नहीं पता कि शक्कर क्या होता है तो इस टॉपिक पर मेरा एक वीडियो है, आप वो देख सकते हैं, आपको कार्ड ऊपर मिल जाएगा। और अगर आपको शक्कर के बारे में जानकारी है तो आपने इसे मुख्यतः गुलाब के पौधों में देखा होगा। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि शक्कर सिर्फ गुलाब के पौधे में ही नहीं बल्कि हर किसी पौधे में हो सकता है। आप जैसा कि देख सकते हैं, ये मेरा जैस्मिन का पौधा है जिसमें शक्कर निकल आए हैं। शक्कर के बारे में मैं पहले आपको थोड़ी जानकारी दे दूं। शक्कर के नाम से ही आप इसे समझ सकते हैं कि जो शाखाएं पौधे के लिए ज़रूरी पोषक तत्व को खुद शक कर ले वह शक्कर कहलाती है। दोस्तों, जब भी कोई पौधा बढ़ता है तो सबसे पहले वो अपनी एक बड यूनियन फॉर्म करता है। ये बड यूनियन एक गांठ की तरह होती है जहाँ से ज़्यादातर शाखाएं निकलती हैं, और इस बड यूनियन के नीचे से जितनी भी शाखाएं निकलती हैं वो शक्कर कहलाती हैं। शक्कर शाखा पौधे के लिए ज़रूरी पोषक तत्वों को पौधे की जगह खुद कंज्यूम कर लेती है, और पोषक तत्वों के अभाव में पौधे की ग्रोथ रुक जाती है, और इसका असर पौधे की फ्लावरिंग व फ्रूटिंग पर भी पड़ता है। या तो फ्रूट या फ्लावर लगते ही नहीं, और लगते भी हैं तो बहुत कम व छोटे साइज के। दोस्तों, शक्कर भी दो तरह के होते हैं, एक तो ग्राउंड लेवल से बड यूनियन के बीच कहीं भी निकल सकता है और दूसरा ग्राउंड लेवल के अंदर से निकलता है। मेरे इस प्लांट में दोनों तरह के शक्कर हैं और दोनों ही अनुपयोगी हैं। चलिए इन्हें रिमूव करते हैं। तो आप इस भ्रम में न रहें कि शक्कर सिर्फ गुलाब के पौधों में ही होता है। अपने पौधों का ध्यान रखिए, और अगर आपको किसी पौधे में कोई ऐसी शाखा दिख रही है जो शक्कर है तो उसे तुरंत निकाल दीजिए। अगर आप चाहें तो इन शक्कर शाखाओं को एज अ कटिंग ग्रो भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो थी शक्कर शाखाओं के बारे में। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर इस वीडियो के बारे में आपके कुछ सवाल या सुझाव हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।